शिवपाल यादव का सरकार पर हमला, बीजेपी लोकतंत्र की बैरिकेडिंग कर रही है, सत्ता तंत्र कभी भारी नहीं हो सकता, ये कहा गया है शिवपाल यादव की तरफ से। सत्ता पर लोक का तंत्र भारी होता है, अतीत से सबक ले सरकार, लोकतंत्र में तानाशाही लंबी नहीं चलती है। तो बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये तमाम कार्यकर्ता इस वक्त जुटे हुए हैं जो कि JPNIC जाने के लिए एकत्रित हुए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारी सुरक्षा का पहरा इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहा है। अखिलेश यादव के घर के आसपास बैरिकेडिंग लगा दी गई है। इसके अलावा सपा दफ्तर की जाने वाला जो एरिया है उसको भी यहाँ पर कॉर्डन ऑफ किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, या फिर गेट कूदेंगे अखिलेश यादव, सवाल ये बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी पिछली बार अखिलेश यादव ने ऐसे ही भारी बवाल काटा था, उनके समर्थक भी जुट गए थे और उसके बाद गेट कूद कर वो श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लखनऊ की सड़कों पर इस वक्त माहौल गर्म नजर आ रहा है, सियासी पारा हाई है और JP की नाम पर सियासत को हवा देने की कोशिश की जा रही है। सरकार को घेरा जा रहा है, तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, JP की जयंती और इसी पर बड़ी जंग इस वक्त आप देख रहे हैं। तमाम फोर्सेस को लगाया गया है क्योंकि प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के मद्देनजर इजाजत नहीं दी गई है। कहा गया है कि वहां पर निर्माण का काम चल रहा है, मच्छर भी हो सकते हैं, दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव वहां जाने पर अड़े हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग इलाकों से तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये तमाम कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। सरकार पर हमला बोला जा रहा है और इस बीच शिवपाल यादव की तरफ से भी सरकार पर हमला बोला गया, बीजेपी लोकतंत्र की बैरिकेडिंग कर रही है, सत्ता तंत्र कभी भारी नहीं हो सकता और सत्ता पर लोक का तंत्र भारी होता है, अतीत से सबक ले सरकार, लोकतंत्र में तानाशाही लंबी नहीं चलती है, ये कह रहे हैं शिवपाल यादव। जाहिर तौर पर चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रीति इस वक्त जुड़ गई हैं। प्रीति, हम चाहेंगे कि तस्वीरें वहां से आप दिखाइए, फिलहाल क्या हालात दिख रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि यहां पर अखिलेश यादव के घर के बाहर जो कार्यकर्ता है उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और उनका कहना है कि वो आज यहां पर ये बैरिकेड्स क्या, अगर आप पूरी छावनी में तब्दील कर दें, पूरी सड़क को छावनी में तब्दील कर दें तो भी हम यहां से जरूर जाएंगे। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो कार्यकर्ताओं की जो संख्या है वो यहां पर लगातार बढ़ती जा रही है, हालांकि पुलिस ने अपनी जो फोर्स है वो भी यहां पर बढ़ा दी है। और अब इनका कहना है कि 11 बजे जैसे अखिलेश यादव यहां से निकलेंगे अपने घर से, वैसे ही हम यहां से निकलेंगे और जो जयंती पर हमको जो फूल चढ़ाना है उससे हमको कोई भी नहीं रोक सकता है। ये आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो कार्यकर्ता है वो यहां पर चढ़े हुए हैं। ये बताइए क्या करेंगे आप? हमारा प्लान यही है कि हम जयप्रकाश नारायण जी की पुण्यतिथि को मनाएंगे। पुण्यतिथि को जो है वो यहाँ पर मनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये जयप्रकाश नारायण जी को यहाँ पर इन्होंने बेड़ियों में यहाँ पर करके दिखाया है कि यहाँ पे जयंती पे शामिल होने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है और यहाँ पे इनको बेड़ियों में दर्शाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर बेड़िया इन्होंने यहाँ पे लगा दी है। और आप देखिए ये देखिए यहाँ पे बेड़ियों के साथ यहाँ पे दर्शाया गया मुर्दाबाद, बेड़िया लगा के क्या दिखा रहे हैं? ये सरकार द्वारा, ये सरकार की तानाशाही, ये सरकार द्वारा बनाया हुआ जेल है जिसको तोड़ कर हम लोग तानाई सरकार जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा को कैद करना चाहती है। हम समाजवादी लोग बता देना चाहते हैं यहाँ पर जयप्रकाश नारायण की जयंती पे जिस तरीके से जाने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने अपने आप को बेड़ियों में यहाँ पर दिखाया है। जो कार्यकर्ता है यहाँ पर वो यहाँ पर सड़क पे बैठ गए हैं और इन्होंने यहाँ पर मोर्चा जो है वो पूरी तरीके से संभाल लिया है। इनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो यहाँ से जाएंगे। एक कार्यकर्ताओं की जो संख्या है वो यहाँ पर लगातार बढ़ रही है, उनसे बात करेंगे हम और जानेंगे कि क्या कह रहे हैं आप, क्या प्लान है अभी आगे का। सड़क पे बैठ गए, सड़क पे बैठने की जरूरत क्यों पड़ी? इस देश में क्रांतिकारियों की आवाज को दबाने का काम
पिछली सरकारों के ने जो ने भी किया है। क्रांतिकारी भगत सिंह की विचारों को जेल में बंद कब तक बैठे रहेंगे? जब सड़क पे संघर्ष करेंगे। समाजवादी लोग जब तक अपना रास्ता नहीं बना लेंगे बैठे रहेंगे। रास्ता नहीं बनाएंगे तब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे। और यहाँ पे दिखाऊं मैं आपको कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे अखिलेश यादव निकल रहे हैं। ये देखिए बड़ी खबर इस समय की, अखिलेश यादव जो है अपने घर के बाहर से निकल रहे हैं। कार्यकर्ता जो है उनका जो हुजूम है वो यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गया है। 11 बजे का जो समय था बस अब कुछ ही देर और जब अखिलेश यादव यहाँ से निकलेंगे। और उनकी जैसा हमने बताया था कि जिस तरीके से उनकी जो सुरक्षा का जो जिम्मा है वो यहाँ पर उनकी पर्सनल सिक्योरिटी ने संभाल रखा है। ये आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आ रहे हैं। धक्का मुक्की मत करो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटिए, उधर से जाओ, पीछे हटो, यहाँ से पीछे हटो। तो अखिलेश यादव के घर के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में ये कार्यकर्ता एकत्रित हो गए हैं। धक्का मुक्की यहाँ पर शुरू हो गई है अखिलेश यादव के घर के अंदर जाने के लिए। ये पूरी धक्का मुक्की यहाँ पर की जा रही है और जो कार्यकर्ता है उनका जो हुजूम है वो यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से 11 बजे का समय था कि अखिलेश यादव हटो पिछड़ो पिछड़ी पर जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर बढ़ा दी है। और अखिलेश यादव की जो पर्सनल सिक्योरिटी है उसने पूरी तरीके से घेराबंदी कर ली है। अखिलेश यादव की सुरक्षा को और ज्यादा टाइट कर दिया गया है। और अखिलेश यादव की जो पर्सनल सिक्योरिटी है उसने पूरी तरीके से घेराबंदी कर रखी है कि अखिलेश यादव को सही से यहाँ से ले जाया जा सके। और जो कार्यकर्ता है कार्यकर्ता लगातार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और अखिलेश यादव की एक झलक पाने के लिए जो है वो यहाँ पर लगातार जो है वो यहाँ पर लगातार हुजूम बढ़ता जा रहा है। और आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से पुलिस और इनकी जो पर्सनल सिक्योरिटी है उसने जो है वो मोर्चा संभाल लिया है। हम आपको दिखाएं अपने कैमरामैन से कहें कि एक बार दिखाएं कि किस तरीके का माहौल है यहाँ पर। ये देखिए ये अखिलेश यादव का घर है और यहाँ से जैसे कार्यकर्ताओं को पता चला कि अखिलेश यादव, ये देखिए यहाँ पर अब पुलिस जो है वो यहाँ पर इनको हटा रही है, कार्यकर्ताओं को हटा रही है। धक्का मुक्की जैसा माहौल है क्योंकि अखिलेश यादव की एक झलक पाना चाहते थे। और जैसे इन लोगों को लगा कि अखिलेश यादव यहाँ पे निकलने वाले हैं इन्होंने जो अपनी भीड़ थी वो यहाँ पे कार्यकर्ता आ गए। हालांकि अखिलेश की जो सिक्योरिटी थी जो इनकी पर्सनल सिक्योरिटी थी उन्होंने यहाँ पे जो कार्यकर्ता थे उनको हटा दिया है। और यहाँ पर जो है यहाँ जो पब्लिक थी जो कार्यकर्ता थे जो लोग थे वो उनकी घर की तरफ जा रहे थे। तो सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है और इनकी जो सिक्योरिटी थी इन्होंने पूरी तरीके से हटा दिया है क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर जो सुरक्षाकर्मी है वो बहुत ज़्यादा सतर्क है। और इसी के चलते अखिलेश की जो सिक्योरिटी थी जो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी थी और हालांकि पुलिस के जो लोग भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और उन्होंने भी यहाँ पर पूरी तरीके से इसको खाली करवा दिया है। क्योंकि जिस तरीके से ये था कि 11 बजे के लगभग अखिलेश यादव यहाँ से निकल सकते हैं, कार्यकर्ताओं को लगा कि अखिलेश यादव निकलने वाले हैं, तो उस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर अचानक से पहुंच गए। धक्का मुक्की जैसी स्थिति यहाँ पर बन गई क्योंकि हर आदमी जो है वो अखिलेश यादव को अपनी झलक दिखाना चाहता था और ये दिखाना चाहता था हर कार्यकर्ता कि हम आपके साथ हैं, हम आपके इस आंदोलन में आपके साथ खड़े हैं। तो हर कार्यकर्ता जो था वो यहाँ पर अखिलेश यादव को जो अपनी अलग अलग इलाकों से तमाम कार्यकर्ता अखिलेश यादव के घर के बाहर मौजूद हैं जो कि ये बताना चाहते हैं कि हम अखिलेश यादव के साथ हैं। समाजवादी पार्टी